गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मैं वी आर फाइन सर। फाइन। ओके ओके। तो सबसे पहले हम लोग जिज्ञांशु दीक्षित बेटे, अपना माइक ऑन करिए, अनम्यूट करिए जिज्ञांशु यस दीक्षित। हाँ बेटे, आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? सर, अच्छा चल रहा है। ओके, आपने सैनिक स्कूल में एग्जाम दिया था, यस सर। तो मार्क्स बताएंगे कितने थे? सर 260। ओके। और कौन से स्टेट से बेटे आप? स्टेट ओडिशा कौन सा? ओडिशा। ओडिशा। ओडिशा, ओके, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। तो जोश एकदम हाई रखना है, ठीक है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आपको एग्जाम के लिए एकदम मोटिवेट रहना, ठीक है? जी सर, अच्छा और क्लास कैसे चल रहा है आपका? चल रहा है। ओके, इंग्लिश बढ़िया चल रहा है ना? इंग्लिश, यस सर। इंग्लिश ओके। और आज किसका एग्जाम दे रहे हैं आप अभी? अभी आपका कौन सा एग्जाम चल रहा है बेटे, जो अभी लाइव? इंग्लिश का ओके, इंग्लिश का। ओके, रिवाइज ज्यादा करना है आपको, ठीक है? और मैथ्स कैसे चल रहा है? मैथ्स आपने सारे पेपर सॉल्व कर लिए, जितने भी हमारे 7 ईयर्स के 14 पेपर्स होते हैं? जी सर। ओके, नेक्स्ट अर्णव ठाकुर। अर्णव ठाकुर बेटे, यस सर। अनम्यूट कीजिए। यस सर। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस बेटे, आप कौन से स्टेट से हैं? अर्णव ठाकुर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ओके, आपने एक दिन वो तेरी डैम भी दिखाया था हमें। यस सर। सर ओके, कैसा प्रिपरेशन है? कितने मार्क्स लाने के आप ठीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश में? है। सर सर मैंने जैसे दूसरे मॉक चेक की और सर उसमें सर मैं पासिंग से ज्यादा ले रहा हूँ, पर सर मेरे को थोड़ा टाइम लिमिट एक्सीड हो जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, प्रैक्टिस से होता है, ठीक है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं सोच रहा है कि मेरे ही कम मार्क्स आ रहे हैं, सभी के इतने ही आते हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके आपने जो प्रिपरेशन किया है ना, वो 100% है, हमेशा ये याद रखना, सर। ओके क्योंकि सर। जी अगर पेपर हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है, पेपर इजी है तो सभी के लिए ही इजी है। क्लियर है? ओके। और जीके का ओके सर। प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं ठीक है सर। रिवाइज करता रहिए ना। पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है, हर एक बच्चे को मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअली कि प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आपका बेस है, ठीक है? क्योंकि उसी पे, यस हाँ, सर। सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था आपने? यस सर दिया है। जी ओके ओके, तो जैसा वहां पे प्रिपरेशन था ना, एकदम मोटिवेटेड। ओके बड़े, अब आयुष सर। रावत अनम्यूट कीजिए। गुड यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बड़े, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मॉर्निंग सर। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, एंड हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सर प्रिपरेशन तो सर चल रही अच्छी। ओके ओके, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कर लिया आपने? सर मैथ में बूटन स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड, और सर कोई डाउट है आपको? एलजेब्रा। नो सर, किसी टॉपिक में डाउट नहीं है। सर ओके, इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में क्या क्या किया आपने? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश सेक्शन, में भी सर नाउन प्रोनाउन, सर नोटिस कर लिया राइटिंग आपने? सेक्शन में सर। नोटिस राइटिंग, यस सर, नोटिस राइटिंग की है सर। हाँ। और उसका जो मेन जो बॉडी होता है ना, उसका मार्क्स होता है, तो उसको ध्यान में रखना है, बेसिक वही है, उसी के मार्क्स ज्यादा यस होते हैं ना। सर। यस हम सर। लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन जो यस बॉडी है उसी को हम उड़ा देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? ओके, यस सर। सर और कौन से स्टेट से हो बेटे आयुष रावत?
सर यूपी, ओके ओके ओके, सर यूपी। एडमिट कार्ड आ गया आपके? यस सर, आ गए। ओके, तो अच्छे से एक पॉजिटिव मूड के साथ आपको जाना है कि यूपी से मेरा सिलेक्शन होगा, और जो हमारा टर्म है, जैसे अभी आपका दिसंबर में होगा तो जुलाई में आपका ज्वाइनिंग है, ठीक है? ऐसे आपको सोचना है, फील करना यस था, सर, ठीक है? पॉजिटिव हमेशा रहना है। यस सर। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट आदर्श। आदर्श बेटे अपना अनम्यूट कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टेट से हैं आदर्श आप? छत्तीसगढ़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रिपरेशन ठीक है आपकी, अच्छी है? से। यस सर, अच्छी चल रही अभी है। कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं आप? कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी? सर अभी इंग्लिश का कर रहा हूँ। ओके ओके, अच्छे से हर एक चीज जो आपको पढ़ाई गई है, ठीक है, वही आपको पूछा गया है, तो वैसे ही आपको परफॉर्म करना है, ठीक है? उससे नीचे नहीं करना है, ठीक ओके सर, है? यस सर। और जीके कैसा प्रिपरेशन है जीके का? आपने पेपर्स कर लिए सर की हैं? भी अच्छी चल रही है। पूरे पेपर्स कर लिए आपने, प्रीवियस ईयर पेपर्स? यस सर, और मैथ्स में कोई डाउट है? नो सर, एलजेब्रा, नहीं। टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, ज्योमेट्री, सर अभी तो नहीं है कोई डाउट नहीं? ना। ओके ओके, तो और सेंटर कहाँ है आपका? सेंटर एडमिट तो कार्ड नहीं आया आपके पास अभी तक? सर आ गया है सर, मैंने सेंटर देखा नहीं है। ओके ओके, देखिए उसको ना, और विजिट करके आइए, आपके घर से कितना दूर है ना? यस ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट आयुष विनी कुमारी सिंह। अनम्यूट करिए बेटे। यस सर, गुड हाउ आर यू मॉर्निंग सर। बेटे? गुड सर, आई एम फाइन। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए इंग्लिश में आपके? सर 15। 15? नहीं, इंग्लिश में जो पेपर यस है आपका, उसमें आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? इंग्लिश का पेपर चल रहा है ना अभी, तो यस सर, कितने क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व कर चुके हो आप? सॉल्व 15 क्वेश्चंस ओके, एंड कौन से स्टेट से हैं आप? सर। राजस्थान। ओके, वेरी गुड, राजस्थान से आप। ओके, एंड मैथ्स में कोई डाउट आपको? कई बार मैथ्स में डाउट रहता है कि सर मैथ्स नहीं आया, या जीके नहीं आया, इंग्लिश नहीं आया। लर्निंग हाँ, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, उनको देखिए, वही पैटर्न आपको एग्जाम में आएगा। लास्ट ईयर के आपने पेपर्स देखे, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स। एंड पूरा सॉल्व करना होता है इसमें, है ना? इवन डॉट भी लगाना होता है, जब कोई क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन किया तो इसमें जो डॉट आएगा वो भी आपको लगाना है कि ये अब क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो गया, फिनिश हो गया है ना। और यूनिट जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है ना, ये सभी आपको ध्यान में रखना है उसमें। इसी के मार्क्स करते करते कम हो जाते हैं, आता है पूरा है लेकिन वो कट हो जाते हैं ना। यस, ओके सर। ओके, नेक्स्ट गणेश ईशरन। गुड इवनिंग गुड सर, सॉरी इवनिंग, गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। गणेश कैसे हो आप? सर फाइन सर। ओके, गणेश कहाँ गए? अपना वीडियो ऑन रखिए बेटे गणेश। यस सर, कौन से स्टेट से हो आप? राजस्थान। राजस्थान से। तो प्रिपरेशन कैसी है आपकी? सर अच्छी चल रही है सर। ओके, और मैथ्स में कितना स्कोर करने का इस बार इरादा है आपका? सर सर फुल। फुल, यस, ये होना चाहिए जोश, फुल।
ओके फुल आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी आता है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड से जो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई है, कि या उनसे आप कुछ पूछना चाहेंगे कि मैथ्स में आपको डाउट है या साइंस में, जीके में या इंग्लिश में, या आप कौन से बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कितना फायदा दे रहे हैं? Yes, sir. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने कर लिए आपने? सर मैंने मैथ्स के, इंग्लिश के और जीके के सर पूरे कर लिए सर। ओके ओके वेरी गुड, जहां तक थे ना सर। ओके नेक्स्ट कैंडिडेट श्रावणी पाटिल। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है ना, 11:26 हो रहा है, तो गुड मॉर्निंग है ना। यस सर गुड मॉर्निंग। कौन से स्टेट से बेटे आप, अनम्यूट रखिए। महाराष्ट्र। ओके महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पुणे सर। यस सर पुणे मध्य। तो पुणे में कहाँ से हो आप? शिवाजी नगर, हड़पसर, वनवाड़ी, गोरपड़ी? सांगली है सर। कौन से सर? सांगली। सांगली, ओके सांगली। तो प्रिपरेशन कैसा आपका, और एडमिट कार्ड आ गया आपका? सर अभी तक नहीं आया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक? ओके आ जाएगा, आ जाएगा कल में। यस सर। ओके और जाना है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, क्योंकि गर्ल्स के लिए जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो ओपन किया है, उसमें आपको एक सीट अपनी फिक्स करनी है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं देखना है कि सीट 5 ही है कैसे जाएंगे, लेकिन ये भी सोचिए ना कि गर्ल्स तो जाएगी, फिर भी जाएगी, 5 गर्ल्स हो जाएगी तो क्यों ना हम ही उसमें जाएं। यस सर। है ना, और ज्यादा आपको उसको ऐसे हैवी नहीं बनाना है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, कुछ भी नहीं है, इंग्लिश मैथ्स और जीके का इसमें खेल हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है। यस सर। और कितने क्वेश्चन हो गए इंग्लिश में आपके? सर 6 क्वेश्चन। ओके ओके करिए, टाइम बाउंड करना आपको। ठीक है सर जी। यस सर जी। नेक्स्ट अनिरुद्ध फ्रॉम राजस्थान, अनम्यूट कीजिए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध सिंह। सर ये ओजस्विनी के लिए था फोन। ओके ओके ओजस्विनी, ओके यस सर। हाँ ये बच्चा जो है अनिरुद्ध सिंह, ये राजस्थान से है और ये है अभी। सर अनिरुद्ध अभी आ रहा है, एमसी में ही है, आएगा 2 तारीख को आ जाएगा। ओके ओके तो बेटे आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? सर ओजस्विनी अनिरुद्ध की सिस्टर है और वो बस अब वो तो ओजस्विनी तो अपना पेपर कर ही रही है अभी। हाँ हाँ मैं उन्हीं से पूछ रहे थे कि इंग्लिश में जो जो अभी पेपर चल रहा है ना, कोई डाउट है तो? नहीं वो कर रही है सर अभी तो अपना पेपर। ओके ओके थैंक यू जी, वेलकम सर। यस अविरल कुमार अनम्यूट कीजिए। यस सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अपना वीडियो ऑन करिए बेटे अविरल कुमार भट्ट। यस कौन से स्टेट से बेटे आप? सर छत्तीसगढ़। ओके तो एडमिट कार्ड आ गया आपके? यस सर। ओके सेंटर कहाँ है आपका? सर रायपुर। ओके कितना दूर आपसे? सर नहीं पता मुझे। ओके ओके प्रीवियस ईयर पेपर सारे कर लिए आपने 14 7 इयर्स के? ओके सेम वैसे ही पैटर्न के पेपर्स आएंगे। ठीक है, इसलिए तो वो फॉर्म के साथ आते हैं कि जो भी फॉर्म फिल करे वो फैमिलियर हो जाएगी पैटर्न कैसा है, एग्जाम पैटर्न क्या है,
और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। लेवल वैसा ही रहता है, बस आपको करेक्ट क्वेश्चन करने हैं और टाइम बाउंड में करने हैं, ठीक है। ओके, और अच्छे से इंग्लिश का एग्जाम दीजिए अभी जो आपका चल रहा है। ओके, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी जो पेपर दे रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सर। और सभी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस, राजमोहन कुमार। राजमोहन जी जल्दी से ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। राजमोहन कुमार, अनम्यूट कीजिए बेटे। यस, कैसे हो बेटे, हाउ आर यू? ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। कौन से स्टेट से हो राजकुमार आप? थोड़ा नेटवर्क इशू है, फिर से एक बार आप क्लियर कीजिए कौन से स्टेट से हैं। सर मैं बिहार से हूँ। ओके ओके ओके, ब्रिलियंट बॉय, बहुत अच्छा बच्चा है ये। और एडमिट कार्ड आ गए होंगे शायद आपके, सेंटर भी आपने चेक कर लिया होगा। यस सर जी। ओके, यूट्यूब पे आपके सबसे पहले मैसेज आते हैं और सबसे बार आप टॉपर भी आप ही हैं। ओके, थैंक यू सर जी। ओके, प्रिपेयर रहिए बढ़िया से, अच्छे से एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट दक्ष गौर, अनम्यूट कीजिए दक्ष गौर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टेट से दक्ष गौर आप? सर उत्तराखंड। ओके, आपका प्रिपरेशन कैसा है मैथ्स में बताइए। सर बढ़िया चल रहा है। और प्रिपेयर सारे पेपर कर लिए, कुछ बाकी है? नहीं सर, सारे पेपर कर लिया, अब बस जो रोज 9 o'clock की क्लास होती है उसको रिवाइज कर रहा हूं। हां हां बिल्कुल, ऐसे नहीं सोच रहा है कि इतने मार्क्स में पास हो रहे तो छोड़ दो उसको, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि एक स्टेट से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो सिर्फ क्वालिफाई से नहीं होगा, हमको स्कोर ज्यादा करना है। ठीक है, पहले हो जाता था लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, या जीके में आपको 38 ही चाहिए, 37.5, ऐसे नहीं कि 40 सही है तो छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं है। ज्यादा मार्क्स काउंट करोगे आप, स्कोर करोगे तो मेरिट में ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके, है ना, और आपका जो रैंक है वो बढ़ेगा। जब आपको आते हैं तो आप क्यों उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, तो सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, और ज्यादा रिवाइज करिए और जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं उनको रिवाइज करते रहिए, है ना, डाउट्स को ज्यादा क्लियर करिए। नया टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, नया टॉपिक बहुत टाइम लेगा और पीछे वाले टॉपिक आपके वो उससे खराब हो सकते हैं, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वो 100% है, इसको मान के जाना है, और आपकी सीट एक पक्की है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।